सो फाइनली गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टाइगर 3 मूवी को रिलीज होने पे यहाँ पर बस कुछ ही दिन बचे हैं। जी आज है नवंबर की पहली तारीख, यानी कि आज है 1 नवंबर, और यहाँ पर 12 नवंबर को रिलीज होना है दिवाली के शुभ दिन पर टाइगर 3 ने। जी हाँ, टाइगर 3 को यहाँ पर शुभ दिन है भैया, दिवाली उस दिन रिलीज होना है 12 नवंबर को, और आज है 1 तारीख। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एडवांस बुकिंग की क्या कुछ हालत यहाँ पर चालू हुई है, कब यहाँ पर चालू होनी है इंडिया में, कब यहाँ पर ओवरसीज की एडवांस बुकिंग चालू होनी है, और क्या कुछ यहाँ पर शोज टाइगर को मिलते दिख रहे हैं। आपने थंबनेल से पता कर लिया होगा कि मैंने लिखा है दिस इज इनसेन। तो क्या इनसेन है, क्या कुछ हो रही है हलचल यहाँ पर, मैं आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। बस ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या जाता है तुम्हारा, कर दो ना सब्सक्राइब, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। और दिवाली फेस्टिव चल रहा है तो बहुत सारी चीजें कम रेट में मिल रही है, जो एसेसरीज में यूज करो अगर कम प्राइस मिले तो जाकर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर परचेज करो, लिंक पर क्लिक करके परचेज करो। टिल देन बिना टाइम आज की अमेजिंग सी वीडियो करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। आपको बता दूं कि यार 12 नवंबर को टाइगर 3 को रिलीज होना, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि दिवाली है उसी दिन यहाँ पर संडे के दिन यहाँ पर मूवी टाइगर 3 रिलीज होते हुए दिख रही है सभी सिनेमा घरों यानी कि सभी थिएटर्स में। जी हाँ, वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर टाइगर 3 का कैसा क्या क्रेज चल रहा है, तो क्रेज इज अनबिलीवेबल। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे फैंस, टाइगर फैंस, स्पाई यूनिवर्स फैंस, सलमान खान फैन, शाहरुख खान फैन, हर कोई जो एक फील्ड का फैन है, देखेंगे आप ना, तो जो जो इस मूवी से रिलेटेड है या फिर स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड या फिर एक्टर स्टार कास्ट रिलेटेड, वो हर कोई इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चाहे आप इमरान हाशमी के फैंस ले लीजिए, हर कोई यहाँ पर इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और देखना चाहता है कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं टाइगर 3 के बाद आनी है वॉर 2, और वॉर 2 के बाद यहाँ पर आनी है टाइगर वर्सेस पठान। तो जो भी कुछ होगा इसमें हमें, यानी कि टाइगर 3 मूवी में देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर टाइगर 3 और वॉर 2 लिंक होगी, एंड देन वॉर 2 में दिखेगा कि क्या कुछ हुआ जिससे टाइगर की लड़ाई होगी पठान से, तो जिसके चलते टाइगर 3 एक बहुत ही बड़ी अहम मूवी होने वाली है, जिसको हमें देखने के लिए भाई एक बोलते ना उसे अलग ही मजा आने वाला है जब हम उस मूवी को देखेंगे थिएटर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर क्या कुछ क्रेज है, तो क्रेज तो अनबिलीवेबल, क्रेज बहुत ही ज़्यादा प्यारा चल रहा है, बहुत सारे लोग इस मूवी का इंतजार करें बेसब्री से, और बहुत सारे लोग इस मूवी को जिस दिन रिलीज होगी उस दिन सुबह का शो देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ पहली अपडेट क्या आई है, वो ये है कि मूवी की जो एडवांस बुकिंग है, जैसे कि आप सभी जानते हैं एडवांस बुकिंग जो होती है भैया रिलीज के पहले हर दिन एडवांस बुकिंग होती है, यानी कि एक होती है ऑन स्पॉट बुकिंग यानी कि जाके थिएटर में लेना, और एक होती है एडवांस बुकिंग पहले से एडवांस में बुकिंग कर लेना, ठीक है। तो एडवांस बुकिंग अगर बात करें तो इस मूवी की यानी टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग जो चालू होगी वो होने वाली 5 तारीख से। जी हाँ, 5 नवंबर से, यानी कि जस्ट एक हफ्ते पहले, 7 दिन पहले यहाँ पर मूवी के रिलीज के 7 दिन पहले यहाँ पर एडवांस बुकिंग टाइगर 3 की चालू हो जाएगी इंडिया यानी कि अपने देश भारत में। जी भारत देश में इंडिया में 5 तारीख 5 नवंबर से यहाँ पर एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगी। वहीं पर अगर बात करें ओवरसीज़ की एकदम एग्जैक्ट हर जगह, क्या देखो अभी भी ओवरसीज़ में कुछ जगह बुकिंग चालू हुई है, लेकिन वो एकदम कुछ ही जगह चालू हुई है, लेकिन जो मेजर बुकिंग चालू होगी वो होगी यहाँ पर 4 नवंबर से चालू कर दिया जाएगी, जहाँ 4 नवंबर से यहाँ पर एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगी। जिसके चलते अभी बात करें तो अभी से क्रेज़ बहुत ज़्यादा, लोगों को इस मूवी की टिकट्स बाय करने का बहुत ही ज़्यादा दिल से मन कर रहा है, मैं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस मूवी के लिए। वहीं पे अगर बात करें कि कैसा क्या पे शोज मिल रहे हैं, क्या कुछ इनसेन बात हुई है जो मैंने थंबनेल में बताया, तो बता दूं यहाँ पर कि जो मार्वल्स द मार्वल्स मूवी जिसमें हमें कैप्टन मार्वल और भी बड़े बड़े एक्टर स्टार कास्ट इस मूवी के दिखने वाले हैं, कैरेक्टर्स दिखने वाले मार्वल के जो कि द मार्वल मूवी में दिखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक अपडेट आई है, एक चीज़ पता चली है कि यूके में बिरमिंग करके एक जगह, बिरिंगम करके, ठीक है, यूके में, वहाँ पर जो इसके पहले दिन यानी कि संडे 12 नवंबर के शोज की अगर बात करें यहाँ पर कैप्टन मार्वल की जो मूवी आ रही है एक तरह से हम बोलेंगे द मार्वल्स की, तो उसको वहाँ पर शो मिले हैं 7 शोज, यानी कि 7 शोज वहाँ पर यूके के उस जगह पर मिले हैं, उस जो भी होगा सिटी होगी स्टेट होगा जो भी, ठीक है, वहाँ पर इसको 7 शोज मिले हैं द मार्वल को। वहीं पर अगर बात करें टाइगर 3 की, तो सेम जगह पर टाइगर 3 को उसी दिन के लगभग 17 या 17 शोज मिले, जो कि लिटरली इनसेन। यानी देखो इंडिया में समझ आता है कि द मार्वल्स को कम शोज मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है कम मिलेंगे, ठीक है, और टाइगर 3 को ज़्यादा मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूके जैसी जगह में जब ऐसी चीज़ हो भाई, दिस इज़ टोटली इनसेन, दिस इज मैं क्या बोलूँ, ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। अगर बाहर के देश में यानी ओवरसीज फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ सिटीज़ और कुछ जगह ऐसी हो जहाँ पर द मार्वल्स, वहाँ की खुद की मूवी, वहाँ अगर देखेंगे फॉरेन की खुद की मूवी को इतने कम शोज़ मिल रहे हैं, लेकिन टाइगर 3 को उससे ज़्यादा मिले, तो ये बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा इनसेन नंबर है, जिससे आपको पता चल सकता कि टाइगर क्या कुछ करने वाली है। जी हाँ, जिसके चलते मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप बताइए आपको कैसा लगता है। टिल देन अगर वीडियो अच्छी लगी, अपडेट्स अच्छी लगी, उसे लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको ये भी बता दूँ कि जिस जिस जगह अभी यहाँ पर एडवांस बुकिंग चालू हुई है कुछ एक दो जगह, वहाँ पर बहुत ही टैरिफिक यानी कि बवंडर टाइप का तबाही रिस्पॉन्स आया है। जी हाँ, ये भी हमें पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही यार, वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है। टिल देन मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर दो, कल डंकी का टीजर रिव्यू आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। टिल देन मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।